नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई संकट है जिसका निवारण आप पाना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हर एक संकट को, हर एक समस्या को दूर करने में बहुत ही निपुण हैं। उनके सामने कोई भी समस्या और संकट टिक नहीं पाती हैं, और वो हमेशा अपने भक्तों को संकट से उबारने के लिए ही जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम हनुमान जी का आपको एक ऐसा सटीक और एक ऐसा कारगर उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे हनुमान जी बहुत ही शीघ्र आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी उस समस्या को, उस संकट को दूर कर देंगे। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि वह उपाय कौन सा है। और दोस्तों, इस उपाय को स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु जी ने बताए हैं, जो कि श्री राम जी और हनुमान जी के परम भक्त हैं और स्वयं हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार जी के भी गुरु जी हैं। तो आइए जान लेते हैं कि उन्होंने कौन सा उपाय बताया है। दोस्तों, उन्होंने कथा में कहा है कि अगर आप हनुमान जी को अति शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको रोज रात को एक बार हनुमान जी को सुंदर कांड का पाठ जरूर सुनाना है, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी जो हैं, रामचरित सुनबे को रसिया, यानी कि राम जी के चरित्र को सुनने के रसिया हैं। हनुमान जी को अपने चरित्र से कहीं अधिक श्री राम जी का चरित्र सुनने में रस आता है। वो श्री राम जी के चरित्र को सुनने के रसिया हैं। अगर कोई उन्हें श्री राम जी का चरित्र यानी कि उनका यश वर्णन करके सुनाता है, तो इससे वो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और सुंदर कांड में श्री राम जी का, माता सीता का चरित्र वर्णन किया गया है और हनुमान जी का भी चरित्र वर्णन किया गया है। तो इस कारण से इसका पाठ करने से आप भगवान श्री राम का, मैया सीता का और जो हनुमान जी हैं उनका भी, तीनों का चरित्र वर्णन करते हैं, जिससे तीनों आप पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आप रोज रात को सुंदर कांड का एक बार अवश्य पाठ कीजिए। और आपको इसका पाठ करते समय यह ध्यान रखना है कि आपको रोज एक ही समय में इसका पाठ करना है, यानी कि अगर रोज रात आप 8 बजे से स्टार्ट करते हैं, तो आपको रोज रात एक बार 8 बजे ही सुंदर कांड का पाठ करना है। अगर 9 बजे से करते हैं तो रोज रात 9 बजे ही करना है, 10 बजे करते हैं तो 10 बजे, यानी कि आपको समय फिक्स रखना है। समय और आप जिस आसन पर, यानी कि आप जिस चादर पर या जिस भी चटाई पर आप नीचे बैठेंगे, वह आसन भी आपको बिल्कुल भी नहीं बदलना है। आपको समय और आसन दोनों एक ही रखना है, फिक्स रखना है, और दोस्तों इसका पाठ करना है। और दोस्तों, अगर आप लगातार 21 दिन तक, यानी कि 21 डेज तक हनुमान जी को सुंदर कांड का रोज रात को पाठ करके सुनाते हैं, तो दोस्तों आप इस बात पर दृढ़ता से विश्वास कीजिए कि आप जिस भी समस्या को लेकर हनुमान जी को यह पाठ सुनाएंगे, तो हनुमान जी निश्चित ही आपकी उस समस्या को दूर करेंगे, क्योंकि हनुमान जी कभी भी किसी का उधार नहीं रखते हैं। अगर आप उनको सुंदर कांड का पाठ करके सुनाएंगे, तो वह आप पर जरूर कृपा करेंगे और आपकी उस समस्या को, उस संकट को दूर जरूर करेंगे, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही सरल हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, क्योंकि ये शंकर भगवान के ही अवतार हैं और शंकर भगवान भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण हनुमान जी भी छोटे से उपाय से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप पूर्ण विश्वास भाव के साथ, श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिए और साथ ही साथ आप इन सावधानियों को अवश्य बरतिए। नंबर एक, दोस्तों हनुमान जी की पूजा उपासना करते समय आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और आपको अपने पूजा का स्थान जो है साफ रखना है। नंबर दो, हनुमान जी की पूजा के बाद आपको उनकी आरती जरूर करना है। नंबर तीन, हनुमान जी को बेसन से बनी लड्डू या फिर चने या गुड़ का भोग जरूर लगाना है। नंबर चार, पूजा के स्थान पर शांति रहे, यानी कि शोरगुल न रहे, और पूजा के दौरान टीवी ना चलाएं या कोई गीत या संगीत बिल्कुल भी ना बजाएं। आपको पूर्ण शांति भाव के साथ सुंदर कांड का पाठ करना है। नंबर पाँच,
हनुमान जी का ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान पर रखना है जिसमें श्री राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, यानी कि पूरा राम दरबार हो। आपको ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान में रखना है और उसके सामने ही आपको यह मानकर सुंदरकांड का पाठ करना है कि पूरे राम दरबार के साथ हनुमान जी मेरे द्वारा पढ़े गए सुंदरकांड का श्रवण कर रहे हैं, जिससे आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।